हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द मॉड्यूलेशन। यहां पर हमने लिखा हुआ है व्हाट इज मॉड्यूलेशन और यहां पर है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन परफेक्ट तरीके से समझना होगा और साथ में कितने तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि एक इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसकी बात करें हम, तो उसको हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है प्योर साइनोसोडियल सिग्नल जो होता है, साइन वेव जो होती है जिसको हम कैरियर वेव की तरह यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को लिखना हो तो स्मॉल बी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, स्मॉल बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। स्मॉल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इतना शायद आप पहले से ही जानते होंगे। B इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ए होता है फेज होता है, ओमेगा की जगह है ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हैं टू पाई एफ। तो यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B इक्वल टू बी एम साइन, ओमेगा की जगह लिख देता हूँ मैं टू पाई एफ और टी तो रहेगा ही प्लस फाई, ठीक है भाई। अब यदि हम यहाँ पर कैरियर सिग्नल यूज कर रहे हैं कि ये कैरियर सिग्नल है, प्योर साइनोसोडियल सिग्नल जो होता है कैरियर सिग्नल होता है, तो इसमें हम सी सफिक्स में लगा लेंगे, मतलब कैरियर सिग्नल कहोगे बी एम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर एफ में सी लगा देंगे और फाई में भी सी लगा देंगे, मीन्स जो है इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है। स्मॉल बी सी जो है एम्पलीट्यूड होता है किसका, कैरियर सिग्नल का। और यहाँ पर लिखा हुआ फाई सी, एफ 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 क्या होता है, एफ फ्रिक्वेंसी होता है कैरियर सिग्नल का फ्रिक्वेंसी, और ये क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है कैरियर सिग्नल का, और फाई जो होता है यहाँ पर फेज होता है, फेज को फाई से, कैरियर सिग्नल का फेज एंगल होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्योर साइनोसोडियल सिग्नल में तीन चीज़ें आती हैं, एक तो यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इसको बोलेंगे हम फ्रिक्वेंसी, और इसको यहाँ पर बोलेंगे फेज। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, प्योर साइनोसोडियल सिग्नल में जो हम मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का की तरह यूज करते हैं, जिस सिग्नल का उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, इसमें तीन चीज़ें वेरिएबल हो सकती हैं, एक हो सकता है एम्पलीट्यूड, दूसरा फ्रिक्वेंसी और तीसरा फेज, क्लियर है। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम बदल सकते हैं, अगर किसी एक चीज़ को यदि एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं हम तो फ्रिक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगा तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा, यदि हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फेज जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, यदि हम तो वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा, यदि हम एम्पलीट्यूड और यदि हम फेज चेंज कर रहे हैं तो जो है रिमाइंडर दो चीज़ें जो बची हैं एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगे, अगर फेज चेंज कर रहे हैं तो फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीन तरह से होगा। अब यदि जो है आपका जो मॉड्यूलेशन करना है उसको अच्छे से समझना है तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल क्या होता है, जो हमारी वॉइस होती है, जो वॉइस होती है उस सिग्नल को हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल, जो कि लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो ये जो है जो मैसेज सिग्नल होता है उसी को हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, या और जो कैरियर सिग्नल जो होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, तो यहाँ हमने हाई फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी बनती है कि जब लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, किसी भी तरह से चढ़ा दिया जाता है, सुपर इम्पोज करने का मतलब उसके ऊपर चढ़ा देना, उसी मेथड को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो हमने यहाँ लिखा है मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच
मैसेज सिग्नल या फिर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आर सुपर इम्पोज ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल। लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी पर सुपर इम्पोज कर देते हैं। एक तो ये हो गया है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल का वेव लेंथ जो है बहुत हाई होता है, वो ज़्यादा दूर तक प्रोपेगेशन नहीं कर सकता है, और जो है आपका यदि मॉड्यूलेशन कर देंगे तो कैरियर सिग्नल प्रोपेगेशन ज़्यादा दूरी तक कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेव लेंथ जो होता है लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन एफ, और सी क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, सी होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और ये फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी जो होती है आपकी, इसकी ये फ्रिक्वेंसी यदि लो फ्रिक्वेंसी रहेगी तो वेव लेंथ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, यदि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल की बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो वेव लेंथ कम हो जाए, जब वेव लेंथ कम हो जाता है तो वह स्पेस में प्रोपेगेशन ज़्यादा कर सकता है। ये हमने उसका जो है मॉड्यूलेशन के उसमें पूरा डिटेल में वीडियो बताएंगे। इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखिए, मॉड्यूलेशन आर दोज प्रोसेस इन विच एनी वन पैरामीटर, यहाँ पर लिखा है एनी वन पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल। देखिए, जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो कैरियर सिग्नल में चेंज लाते हैं, ना कि मैसेज सिग्नल में। तो वन पैरामीटर ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंज अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल होगा जिसको आप भेज रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, उसका जो है आपका क्या करना है, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग वो कैरियर सिग्नल जो होता है उसका जो है वन करेक्टर्स वन पैरामीटर, तीन में से किसी एक को हम चेंज कर दें। यदि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल को जो एम्पलीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा कैरियर का। क्लियर है? तो एक तो डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं। असली डेफिनेशन है ए वाली। यदि बहुत परफेक्ट तरीके से डीपली आपको समझना है तो इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड चीज़ लिखी गई है। तो हमने तीन तरह से डेफिनेशन लिखी है, जो भी आपको समझ में आए अच्छी लगे वो वाली आप समझ सकते हैं। असली डेफिनेशन है जिसमें हर एक चीज़ स्पष्ट कही गई है और समझाई गई है। मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच वन करेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का वन करेक्टरिस्टिक्स को ही चेंज करते हैं। मीन्स हम मान लेते हैं एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं किसका, कैरियर का, लेकिन कैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा, वो होगा आपका जो मैसेज सिग्नल है उसका जैसा ही एम्पलीट्यूड होगा उसके प्रोपोर्शनली होगा। लेकिन जब एम्पलीट्यूड यदि हम चेंज कर रहे हैं तो शेष दो चीज़ें जो रिमाइंडर, दो चीज़ें देन टू रिमेन करेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज, जो उसको हम क्या करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। क्लियर है? उसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं। कौन से दो करेक्टरिस्टिक्स? यदि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो दो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी। फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टेंट रहेंगे। इसे बोलते हैं हम मॉड्यूलेशन की परफेक्ट डेफिनेशन। तीन तरह से हमने समझाई है, जो आपको उचित लगे वो समझ लीजिए। और ये मॉड्यूलेशन तीन तरह के होते हैं, क्योंकि कैरियर सिग्नल में तीन करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, तीन तरह के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।